तो जो पहला क्वेश्चन है इट्स ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आई हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। दिया कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स, ओके, दिस यू हैव टू फैक्टराइज, दिस इज द क्वेश्चन। चलो, सो दिस इज द डाउट नंबर वन, कैसे फैक्टराइज करेंगे। सी नाउ, अब ये जो इक्वेशन है इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसको ईजी बनाने के लिए व्हाट यू डू, आप एक्स प्लस व्हाट यू डू टेक, लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को कोई और वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, एज यू विश, टेक इट ए, ठीक है, लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, देन डू व्हाट, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मैं ए रख दूंगा, बट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ए, ताकि मेरी सारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए के टर्म्स में आ जाए और मैं उसको फिर फैक्टराइज करके फाइनली ए की वैल्यू एक्स से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में ए स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो इन द सेम वे इफ आई यूज दिस फॉर्मूला इट विल गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू इंटू ए इज एक्स, बी इज वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो वट विल हैपन फ्रॉम हियर, आप देखेंगे कि x वाला टर्म तो कैंसिल, x x कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, दिस टू आई हैव टेकन टू द राइट हैंड साइड। तो एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो हमने लिया ही है, ठीक है। फिर जो हमारी गिवन इक्वेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस गिवन इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ए लिखता हूँ, ठीक है। सो सपोज इसको मैंने इक्वेशन वन बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन टू बोल दिया, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट आई विल डू, सी आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ वन एंड टू इन दिस हाईलाइट इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ए है प्लस सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। इसको मैं खोलूँगा, सो इट विल गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस टू, ओके, माइनस फोर ए प्लस सिक्स, ठीक है, एंड दिस विल गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर। नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म विल गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब तो ये बहुत ईजी हो गया है, आपको माइनस फोर ए को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके इट शुड गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, फोर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इट विल बी माइनस टू ए हेयर, और यहाँ पर भी माइनस टू ए, सो माइनस टू ए माइनस टू ए विल गोइंग टू गिव यू माइनस फोर ए, एंड इफ विल मल्टीप्लाई माइनस टू ए इट विल गोइंग टू गिव यू प्लस फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए अगेन माइनस टू ए प्लस फोर, ठीक है, ओके। सो इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू टेक कॉमन, इफ यू विल टेक ए कॉमन फ्रॉम हियर, ओके, इफ यू विल टेक ए कॉमन फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ए माइनस टू विल गोइंग टू कम, ओके, एंड इफ यू टेक माइनस टू कॉमन अगेन यहाँ पर ए माइनस टू विल गोइंग टू कम, ठीक है। सो ए माइनस टू, ए माइनस टू, तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, आपके फैक्टर्स बन गए ए माइनस टू, इफ यू टेक ए माइनस टू कॉमन, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ए माइनस टू कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस टू हैव टेकन कॉमन, तो ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू,
ठीक है, तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या आप ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू लिख सकते हो. नाउ वट यू हैव टू डू एट लास्ट, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए. सो वट यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दिस विल बी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ए की वैल्यू रख दी माइनस टू इन वन ब्रैकेट, और दूसरा एक्स ए की वैल्यू फिर से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ओके माइनस टू इन अनदर ब्रैकेट. ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है.